हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर, वो भी मिनिमम फार्मूला के इस्तेमाल से। देखिए, मैंने ऑलरेडी एक कैलकुलेटर बना के रखा है जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके सामने दिखाएगा। पहले एक क्विक डेमो ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपने लोन लिया है किसी भी जगह से, जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। सपोज आपने 50,000 रुपीज का लोन लिया किसी बैंक से या किसी भी दूसरे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो सपोज कि 8.5% था। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे डाला HK2 में। 10 ईयर्स के लिए आपने ये लोन लिया है, तो हर साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हर साल क्या होगा साल के अंत में, ये इसने कैलकुलेट करके 10 ईयर्स तक दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ कि इस लोन अमाउंट को मैं सपोज कि 80,000 कर देता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं 9% कर देता हूँ, टर्म्स जो है वो ईयर्स में है, 10 साल के लिए मैंने लोन लिया है, तो अगर आप 80,000 रुपया लोन लेते हैं 9% ब्याज पे 10 साल के लिए, तो पहले साल आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 80,000 है और पहले साल जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो 80,000 रुपये का 9% 7,200 पे करना है। मतलब कि टोटल आपका जो अमाउंट हो गया आपको जो पे करना है वो 87,200 है, वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेशन फिर उस पर्टिकुलर अमाउंट से निकले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस कैलकुलेटर को बनाना सीखेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग सीखते हैं कि कैसे इस कैलकुलेटर को बनाया जा सकता है। देखिए, मैंने एक न्यू वर्कशीट लिया है। पहले तो मैं ऐसा करता हूं कि व्यू में जाके इसको जूम कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को मैटर जो है वो आप लोगों के लिए इजीली विजिबल हो। अभी मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से BCDE ये 4 कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। होम में जाके मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करके मैं इसे मर्ज कर देता हूं। मैंने यहां पे लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। अभी मैं इसे कंट्रोल बी से बोल्ड कर देता हूं, या यहां बी बटन है, आप इससे भी क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। यहां पे मैं बैकग्राउंड कलर में यहां ब्लैक कलर लगा रहा हूं और जो फॉन्ट का कलर है मैं उसे व्हाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ऐसा हेडिंग बन गया, जो कि यहां पे मैंने बना के ऑलरेडी रखा था। एग्जैक्टली यही चीज मुझे बनाना है, तो इस तरह से मैं बना दे रहा हूं। अभी यहां पे मैं चाह रहा हूं कि जो लोन अमाउंट है मैं यहां पे लिखूं। मैंने उसके लिए एक हेडिंग डाल दिया लोन अमाउंट। आप इस लोन अमाउंट को प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। मैंने यहां प्रिंसिपल लिख दिया। ये जो है मैंने लिखा HK1 में, डबल क्लिक करके मैंने इसको ऑटो फिट कर लिया। यहां पे एक कोई भी एक छोटा सा अमाउंट में डाल देता हूं कि ये लोन मैं लूंगा। आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, आप बाद में भी फिल कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऐसा आपने लिखा, और सपोज कि अभी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.5% है, यहां पे परसेंट मैंने डाल दिया। और टर्म्स इन ईयर ये मैंने यहां डाला। सपोज मैं 10 साल के लिए लोन ले रहा हूं। अभी आप HK1 को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि यहां पे जो लोन अमाउंट है आपको इसको जो है रुपीज में दिखाना है। तो यहां से कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जो कि आ चुका है अभी यहां पे। यहां पे आपको करेंसी सेलेक्ट करना है और यहां से सिंबल में रुपीज आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहां सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया। अभी ये जो 40,000 है, रुपीज 40,000 आ गया। अभी यहां पे मैंने लिखा ईयर, यहां पे मैंने लिख दिया प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल अमाउंट भी आप चाहो तो लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहां प्रिंसिपल अमाउंट वाले कॉलम के दाहिने में आके मैंने डबल क्लिक किया, ये ऑटो फिट हो गया। यहां पे मैंने हेडिंग बना लिया इंटरेस्ट का, और यहां पे मैंने हेडिंग बना लिया कंपाउंड इंटरेस्ट का। ओके, ये आपका ये 4 हेडिंग बनके तैयार है। इस कॉलम के साइज को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं, ताकि उधर वाला जो मैटर है वो स्क्रीन पे ही रहे। यहां पे आपको 10 साल का लिस्ट तैयार करना है। मैंने यहां लिखा फर्स्ट, उसके बाद यहां मैंने लिखा सेकंड,
और इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके और यहां से मैंने फिल हैंडल का यूज करके इसको नीचे के तरफ तब तक ड्रैग किया जब तक 10th तक ना आ जाए। अभी आप देखो ध्यान से, बहुत मिनिमम फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं। पहले साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहां पर जो भी अमाउंट होगा एच के वन में, वो अमाउंट जो है पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट होगा। वहां पे 40,000 अगर है तो यहां 40,000 होना चाहिए, वहां पे अगर यूजर ने चेंज करके 80,000 कर दिया तो यहां पे भी 80,000 होना चाहिए। तो मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स और इस सेल को मैं कर लेता हूं सेलेक्ट, इंटर। अब यहां पे आपका पहले साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहां आ चुका है और इन दोनों सेल के बीच रिलेशन है। अगर आप यहां पे इस 40,000 को सपोज 75,000 करते हो तो यहां पे भी वो चेंज हो जाएगा, ये चीज इंपॉर्टेंस रखता है। अभी इंटरेस्ट जो है वो इक्वल इस पर्टिकुलर सेल का, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर देना होगा, और इतना परसेंट है, 6.50% है। मैंने इंटर किया, देखिए यहां पे जो है वैल्यू आपकी आ चुकी है। अगर आप यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करोगे, सपोज अभी ये 6.5% है, मैंने इसको सपोज कि 9% कर लिया, तो यहां पे आपका इंटरेस्ट जो है 9% के हिसाब से आ जाएगा। मतलब ये दोनों जो सेल का वैल्यू है ना वो यहां पे रिलेट कर रहा है। अभी आप यहां पे सपोज इसको आपने 55,000 कर लिया, तो ये 55,000 के हिसाब से यहां पे कैलकुलेट करके दिखा दे रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है, तो इसके लिए आप यहां लिखते हैं इक्वल, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस ये आपका इंटरेस्ट है। आपने दोनों को सेलेक्ट किया, बीच में प्लस सिंबल यूज किया, इंटर प्रेस कर दिया, यहां पे जो है ये आपका ऐसा सिंबल आ रहा है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये देखिए फॉर्मेट में ये रुपीज क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि आपने शुरू में ही यहां से जब रिलेट किया तो यहां का जो फॉर्मेट है ना वो यहां पे आके कॉपी हो चुका है। अभी यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहां पे अब जो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो ये वाला अमाउंट होगा। यहां ये जो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो यहां आपको लिखना है इक्वल्स और इस सेल पर क्लिक कर देना है। आप चाहे तो कीबोर्ड से भी इस सेल का एड्रेस टाइप कर सकते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, ये आपका दूसरे साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट था का अमाउंट था वो आपका आ गया। यहां पे आपको लिखना है इक्वल्स दिस सेल का वैल्यू जो भी है इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और परसेंटेज आपका यहां लिखा हुआ है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो H2 है ये लॉक्ड नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगा वो समझिएगा, जब आप इस फॉर्मूला को नीचे के तरफ ड्रैग करोगे ना तो ये H2 जो है वो H3 हो जाएगा। करके मैं देखता हूं, देखिए आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर इस फॉर्मूला को मैं यहां नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं फिल हैंडल से, तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहां जीरो क्यों आ रहा है, जीरो आने के पीछे वजह क्या है। अभी मैं ऐसा करता हूं ना कि पहले यहां पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, अभी मैं इसको डिलीट करता हूं, इस चीज को आप लोग देखोगे भी। यहां पे मैं लिखता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इस सेल का वैल्यू है प्लस इस पर्टिकुलर सेल का वैल्यू होगा। अभी यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इन तीनों सेल को सेलेक्ट करके, चूंकि तीनों को मुझे कॉपी करना है, तीनों का फॉर्मूला नीचे की तरफ मैं कॉपी करता हूं सपोज तीन सेल तक, तीन रो तक। अभी आप देख पा रहे हो यहां पे कि अभी तक तो ये ठीक आ रहा है, यहां पे जीरो क्यों आ गया। देखिए ध्यान से, मैंने यहां पे H2 लिखा है और यहां इस पर्टिकुलर, यहां पे आप देखो यहां पे H2 है लेकिन इस पर्टिकुलर सेल में ये H3 हो गया है। तो जब कभी भी आप फॉर्मूला को नीचे के तरफ कॉपी करते हो तो रो का जो नंबर होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। मैंने इसके ऊपर एड्रेसिंग मोड का वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे इस चैनल पर साइबोटेक कैंपस नवादा में एक्सेल का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। वैसे एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको करना क्या है, मैं इसे हटा देता हूं। यहां पे जब मैंने लिखा B5 इंटू H2 तो आपने ऐसा लिखा, उसके बाद आपको कीबोर्ड से F4 बटन दबा देना है ताकि H2 में H के पहले भी डॉलर आ जाए और 2 के पहले भी डॉलर आ जाए। तो ऐसा होने से ये सेल जो है ना लॉक हो गया। अब आप इस फॉर्मूला को जब नीचे के तरफ ड्रैग करोगे तो B5 जो है ना वो B6 होगा लेकिन H2 ही रह जाएगा। ऐसा सिर्फ कर देने से अब आप देखोगे इन तीनों सेल्स को आपने सेलेक्ट किया और यहां नीचे के तरफ जब आपने इसको ड्रैग किया 10वें साल तक, तो ये देखिए आपका एग्जैक्ट वैल्यू दिखा दे रहा है। अभी मैं कुछ और मॉडिफिकेशन कर लेता हूं,
मैं इस पर्टिकुलर सेल में बोल्ड इसको कर दे रहा हूं, और एक मैं यहां से बैकग्राउंड कलर मैं इसका चेंज कर दे रहा हूं। सपोज मैंने ऐसा बैकग्राउंड कलर कर दिया, और अभी इस सारे सेल्स को जिसमें मेरा डेटा है इसको मैं लेके यहां से सेलेक्ट करने के बाद यहां से मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूं और सेंटर अलाइन कर देता हूं। तो अभी आपके सामने ये कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया। बहुत आसानी से आप इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। यहां पे मैं इस कॉलम को थोड़ा छोटा कर देता हूं। अभी आप इसको देखो, यहां पे अगर अभी आप चेंज करते हो, सपोज मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए, ब्याज जो था वो 12.56% था, ये मैंने डाल दिया 10 ईयर्स के लिए। तो आप देखोगे यहां पे आपका जो टेबल है ना उसका सारा वैल्यू चेंज हो गया। यहां पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए है, इंटरेस्ट जो है वो 12.56% के हिसाब से आ गया, यहां कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और उसी हिसाब से फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए ये चीज री इवेल्युएट हो जा रहा है। अभी आप देखो यहां पे अगर आप इसको चेंज करके कर देते हो 2 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका सपोज 8.7% है, तो अभी आप देख रहे हो यहां पे आपका ये चीज चेंज हो गया। तो इस तरह से आप एक्सेल में मिनिमम फार्मूला के इस्तेमाल से आपने क्या यूज किया, सिर्फ आपने एक जगह पे प्लस यूज किया है, एक जगह पे आपने एस्ट्रिक यूज किया, और थोड़ा सा सेल के एड्रेस को लॉक करना सीखा F4 की के मदद से। इन तीन बेसिक बुनियादी चीजों को देख सीख करके आप लोगों ने ये टेबल आसानी से बना लिया। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बहुत आसानी से ये पर्टिकुलर टेबल बना सकोगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि इस तरह का फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।